ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करना है, इसको जानने के पहले यह जानना आवश्यक है कि ध्यान का लाभ लेने के लिए ध्यान में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना होगा। ध्यान के लिए पहली शर्त, और उस पहली शर्त को चाहे आप आखिरी शर्त समझ लो, वह है मौन का पालन। ध्यानस योगस प्रथमं द्वारम वांग निरोधो, ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं। योग का, ध्यान का, साधना का प्रवेश द्वार क्या है? वांग निरोधो, वाणी का संयम। लेकिन तो यहां वाणी के संयम कर मौन, वाणी संयम का तो एक अर्थ होता है अनुचित कथन को छोड़कर उचित कथन करना, किंतु यहां मौन पालन करना होगा। जितनी ढिलाई रखेंगे मौन पालन करने में, ध्यान कभी लगेगा नहीं, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। जैसे लता, कोई भी लता हो, किसी का आधार पाकर ही आगे बढ़ती है। लता को ऊपर चढ़ना हो तो आधार चाहिए, जमीन पर फैलना हो तो भी कोई न कोई आधार चाहिए, चाहे वो मिट्टी का आधार ले या किसी और आधार ले, आधार चाहिए। लता को जब आधार नहीं मिलता तो उसका विस्तार उतना ज्यादा नहीं हो पाता। ऐसे ही यदि मन को वाणी का आधार न मिले तो मन की 50% चंचलता अपने आप खत्म हो जाएगी। और यदि हम बराबर बोलते जा रहे हैं, बिना टाइम विचारे, बिना आवश्यकता देखे, बिना पात्र देखे बोलते चले जा रहे हैं, कुछ भी प्रयास करो, मन कभी स्थिर, शांत, कंसंट्रेट, एकाग्र नहीं हो सकता है। इसलिए कहीं भी हो, ध्यान साधना में भाग लेते हो तो पूरा का पूरा मौन का पालन करें। बोलना आवश्यक है कि बिना बोले काम नहीं चल सकता, तो उतनी धीमी आवाज में बात करें
कि जिससे आप बात करना चाह रहे हैं वह व्यक्ति सुन ले, बस ऊंची आवाज में बात ना करे कि आपकी बात जिससे कहना आप चाह रहे हैं उसके अलावा अन्य लोग सुने। और ये बात, ये कथन अभ्यास से साध्य है। दूसरी बात, भोजन पर संयम। हर साथी लोग बताएंगे आपको, सुबह जलपान मिलेगा, दोपहर में भोजन मिलेगा, शाम को फिर भोजन जलपान मिल जाएगा। हमारे अगल बगल वाले क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, भोजन तो अब क्या में तो भोजन सब एक जैसा रहेगा। हमें कितने की आवश्यकता है ये देखना होगा। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए भोजन के पश्चात कि पेट में भारीपन। यदि पेट हमेशा भरा भरा है तो आलस्य होगा, तंद्रा आएगी, निद्रा आएगी और ध्यान नहीं लग पाएगा। और ये केवल यही के लिए नहीं, कहीं भी रहकर यदि स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तन से भी स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ, तो हर समय भोजन पर संयम की आवश्यकता है। सादा भोजन ही है, एक तो यहां पर बिना मिर्च मसाले का भोजन बनेगा, तेल भी बहुत साधारण। तो यदि हम सादे भोजन को भी अधिक मात्रा में खाएंगे तो वह भी कब्ज का कारण बनेगा, ज्यादा हो जाएगा। अब बराबर अधिक खाने वाला व्यक्ति ध्यान साधना का लाभ ले नहीं सकता है। तीसरी बात आपको यह सोचना है, यहां आप आए हैं घर का कामकाज छोड़ करके, तो यहां आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ध्यान साधना। उसी को सामने रखें। यहां एक कमरे में कई लोगों का आसन है, जहां साधिकाएं हैं वहां भी कई लोग हैं। किसी से मेलजोल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जब ध्यान शिविर का समापन हो जाएगा फिर आप मेलजोल बढ़ा लीजिए। जिस उद्देश्य को लेकर आप सामने आए हो उसी उद्देश्य को ही सामने रखें। क्यों आया हूं मैं इसको? अभी वातावरण शांत है, सुबह के समय में कहीं बाहर से चिड़िया की आवाज आएगी, सामने गाड़ी मोटर की आवाज आ सकती है, पीछे साइड में भोजनालय है वहां से कुछ भंडारियों की आवाज आ सकती है। यद्यपि भंडारियों से भी निवेदन है कि ड्यूटी हमेशा बदलेगी, वो आपकी कसौटी है कि कितने कम आवाज में बात करके आप भोजन बना सकते हैं। मौन रहकर भी बनाया जा सकता है, इशारा करके संकेत से बोलना जरूरी हो
तो उतनी आवाज़ में बात करेंगे। कोई भोजनालय में कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आ सकती है, तो ये मत सोचो कि इस चिड़िया क्यों बोल रही है, गाड़ी की आवाज़ क्यों आ रही है। कभी ऐसा भी हो सकता है बिजली चली जाए, पंखे बंद हो जाए, गर्मी लग सकती है। बिजली क्यों चली गई सोचो मत, चली गई कुछ का कोई कारण होगा, आ जाएगी। बात यह है जो है जैसा है उसके प्रति स्वीकार भाव। यहाँ जो परिस्थिति है, आपको जो भोजन दिया जाएगा, जहाँ आसन दिया गया है, गर्मी आ गई, हवा बंद हो गई या कुछ और, जो परिस्थिति है यदि उसको स्वीकार नहीं करोगे तो उद्वेलित होता रहेगा मन, फिर ध्यान नहीं लगेगा। स्वीकार भाव, और इस सब के पीछे प्रसन्नता का भाव। ये जो ध्यान साधना का काम हम लोग करते हैं या करेंगे, वो केवल हमारे अपने लिए है। अपनी शांति के लिए, अपनी उन्नति के लिए करना है। ध्यान क्या है, कल चर्चा होगी इस पर और हमारे साथी लोग बताएंगे आपको। ध्यान का, ध्यान के कई अर्थ होते हैं। ध्यान का पहला अर्थ होगा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की एकाग्रता। ध्यान का अर्थ है सावधानी, अलर्टनेस। ध्यान करना और ध्यान रखना, ध्यान करने के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान रखना कर सकते हैं, ध्यान देना कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, वहां ध्यान दे करके जाना, वो काम ध्यान दे करके करना, ध्यान दे करके पढ़ना, ये हम कहते हैं ना, इसका मतलब क्या है? जागरूकता, अवेयरनेस। यदि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो कोई भी काम बढ़िया नहीं बनेगा। दोनों का आवश्यकता है, मन के एकाग्रता की भी आवश्यकता है और मन की जागरूकता की भी आवश्यकता है। और एकाग्रता से अधिक आवश्यकता जागरूकता की है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एकाग्र मन जागरूक भी होगा। जागरूक मन एकाग्र हो सकता है, लेकिन एकाग्र मन जागरूक हो ये जरूरी नहीं है। एकाग्र मन कंसंट्रेट तो कई कारणों से हो जाता है, लेकिन जागरूकता है तब एकाग्रता में भटकाव हो सकता है, जागरूकता में भटकाव नहीं होगा, सावधानी में भटकाव नहीं होगा। कई बार एकाग्रता हमारे लिए बंधन का और दूसरों के लिए दुख का कारण बन जाती है, किंतु जागरूकता दुख का कारण नहीं बनेगी कभी, और अपने लिए बंधन का कारण नहीं बनेगी। मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है।
लेकिन यदि जागरूकता नहीं है तो एकाग्रता बंधन का कारण बनेगी, दुख पीड़ा का कारण बनेगी। कैसे बन सकती है एकाग्रता कारण? एक शिकारी शिकार करने जाता है, कितना एकाग्र होकर के बाण साधता है वहां पर शिकार पर, यहाँ ताकता नहीं है, एकदम कंसंट्रेशन रहता हो, ये रहता है उसको, तो एकाग्रता लाभदायी होगी क्या? जो जागरूक होगा वो शिकार करेगा कभी किसी को? चोर चोरी करने जाता है, कितनी सावधानी से जाता है, ओके चोर छोड़ दो। किसी युवक का किसी युवती से मोह हो गया है, और किसी युवती को किसी युवक से मोह हो गया है, और उसकी याद में मन इतना एकाग्र है कि कौन आ रहा है जा रहा है पता ही नहीं है, वो एकाग्रता बंधन कारण बनेगी कि कल्याण का कारण बनेगी? एकाग्र तो है, इतना एकाग्र, इतना एकाग्र है कि क्या कहना, वो कहानी कही जाती है ना एकाग्रता के संबंध में। एक जगह एक मुल्ला अपनी सफेद चादर बिछाकर नमाज पढ़ रहा था, एक युवती अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, उसके प्रेम में इतना पागल, इतना इतना डूबी हुई थी वो, उस मुल्ले के चादर पर पैर रखते हुए आगे चली गई। मुल्ला ने देखा, बड़ा गुस्सा आया, लेकिन कहा गया है नमाज पढ़ते वक्त गुस्सा नहीं करना है, रोक लिया गुस्से को। युवती चली गई आगे, मुल्ला नमाज पढ़ा, फिर बैठा रहा पर। कुछ देर के पश्चात युवती वापस होती है, मुल्ला ने रोका और कहा, तू कैसी बेहूदी औरत है, क्या हो गया? मैं यहां सफेद चादर बिछा कर अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, और तू मेरे बिछी हुई चादर पर ही, साफ पाक चादर पर पैर रखते हुए चली गई। तो युवती जोर से हंसती है और कहती है, वाह मुल्ला साहब, कैसे आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे? अरे मैं तो एक संसारी युवक से के प्रेम में डूबी हुई थी, और एक संसारी युवक के प्रेम में, संसारिक वासना में प्रेम में डूबी हुई थी, उसके प्रेम इतनी डूबी थी ना, मुझे आप दिखाई पड़े, आपकी चादर दिखाई पड़ी, और आप अल्लाह से प्रेम कर रहे हैं, मैं भी दिख गई, मेरी आप चादर भी दिख गई, तो एक आगे तो वो एकाग्रता कल्याण का कारण बनेगी क्या? जागरूकता, अवेयरनेस, जितना हम अवेयर रहेंगे उतने हमारी साधना अच्छी बनेगी। तो ध्यान रखना, ध्यान करने के पहले ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलना है, कैसे चलना है? धम धम पैर पटाते हुए चल रहे हैं, औरों को डिस्टर्ब होगा। रात में बार बार बत्ती जला रहे हैं, औरों को डिस्टर्ब हो जाएगा। नींद 3 बजे खुल गई, बाथरूम चले गए, कपड़ा धो रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं, अन्य लोग सोए हुए हैं,
उनके उनकी निंदे सर्व हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ध्यान करने के पहले ध्यान रखना और ध्यान देना ये जरूरी है। मतलब अलर्टनेस अवेयरनेस दोनों की जरूरत है। तो ध्यान करता है एकाग्रता, ध्यान करता है सावधानी जागरूकता। जितनी जागरूकता होगी तब एकाग्रता काम आएगी, तब फिर हम साधना में आगे बढ़ सकेंगे। अंत में चर्चा आएगी कल, इस पर ध्यान करता है वर्तमान में रहना, ध्यान करता है अपने में होना, अपने में रहना, ध्यान करता है मन का निर्विकार रहना और निर्विषय स्मरण मुक्त संकल्प मुक्त रहना। ये तमाम ध्यान करता है। ध्यान कर ऊर्जा का संचयन करना है। ऊर्जा संचयन कैसे होगा, अपने में कैसे रहना है, वर्तमान में कैसे रहना है, इस सारी बातें ध्यान इस शिविर के अंदर में हमें जानने सुनने को मिलेंगी। जो बस शर्त इतनी है कि जो भी नियम बताए जाएंगे उन नियमों को पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने की आवश्यकता है। कोई आपको विशेष जरूरत पड़ेगी, व्यवस्थापक हैं विचारता जी सुरेंद्र और एक दो और कोई बताएंगे, उनसे आप संपर्क कर लेंगे। लेकिन नियमों के पालन में ढिलाई ना करें। नियम पालन हमारे अपने व्यक्तित्व विकास के लिए और साधना में प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एकदम अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन रहना है आपको। तो जितना हमें करेंगे, केवल यहाँ के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो एक आपको सीख दी जाएगी। बस इस सीख का प्रयोग आगे करना है। ये समझ लो, ये 7 दिन का ध्यान से भी एक ट्रेनिंग है। बस सीखना है, लेकिन सीखेंगे कब, जब जागरूक होकर सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करते चलेंगे और जो बातें बताई जा रही है उन पर मनन चिंतन करते रहेंगे। तो ध्यान अपनी शांति के लिए, मानसिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए, और ये कहना चाहिए अंतिम फल जो कहा जाता है बंधन से छुटकारा पाने के, स्वतंत्र जीवन देने के लिए, स्वस्थ और स्वस्थ जीने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। स्वस्थ का मतलब क्या है, 3 चीजें हैं, स्वस्थ स्वतंत्र और स्वस्थ। जो स्वस्थ रहना, स्वतंत्र रहना और स्वस्थ रहना सीख लिया, उसे दुनिया में कोई दुख हो ही नहीं सकता है। स्वस्थ रहना, अपने पर अपना शासन, आगे चर्चा आएगी इन बातों पर। स्वतंत्र खुद पर खुद का शासन। स्वतंत्र तंत्र अर्थात शासन, खुद मतलब खुद,
अपने पर अपना शासन, स्वस्थ अपने को अपने वश में रखना, स्वतंत्र अपने पर अपना शासन और स्वस्थ खुद में, स्व मतलब खुद, अस्थ मतलब स्थित, खुद में स्थित, खुद में रहना, ये स्वस्थ रहना है। और इन तीनों के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। जब इन तीनों पर हमारे हम एकदम कंट्रोल कर लिए तो कोई दुख नहीं रह जाएगा। इसलिए ध्यान करता है जितना जीवन शेष है पूरी स्वतंत्रता के साथ, स्वस्थता के साथ और दुख मुक्त होकर के जीना। और ये सर्वथा संभव है, बस उसमें डूबने की और चलने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों पर विस्तार से चर्चा होगी, इसे अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और जो अभी जो नियम बताए जाएंगे उसको तो सुने और सुन करके उसे पालन करने का प्रयास करेंगे। बस Yeah.